बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ सिरावे के क्लेंज़र का। तो फॉर्मिंग क्लेंज़र है ये सिरावे का, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है ये क्लेंज़र और यूएसए बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा भाई, आई नो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो जब मुझे लगा कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो इसका रिव्यू तो लाजमी लाजमी बनता है, और बहुत ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जनाब आज करेंगे इसका ऑनेस्ट वाला रिव्यू, वर्ड बाइंग है भी या नहीं है या सिर्फ बातें हैं। ऑनेस्ट वाली बातें आज इसको लेकर मैं करने वाली हूँ। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन मैं सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। यूएसए बेस्ड ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है बाहर, जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है बाहर की कंट्रीज़ में, ईजिली अवेलेबल हो जाता है। पाकिस्तानी करेंसी में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये क्लेंज़र, लेकिन कैसा है वो अब मैं आज आपको बताऊंगी। और फेमस तो बहुत ज़्यादा है, हर ब्यूटी ब्लॉगर और हर कोई इसको यूज़ कर रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। और ये ब्रांड भी, इसके मॉइस्चराइज़र भी है, इसकी इस ब्रांड की डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं इसको तकरीबन 40 डेज से यूज़ कर रही हूँ, 1 मंथ से ऊपर हो गया है। अच्छा एक बात बताऊँ, सिरावे कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सारी प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होती हैं, हर चीज़ इनकी टेस्टेड होती है। अच्छा आप लोगों को ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा? आप लोग इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, बिग बास्केट से मिल जाएगा आप लोगों को, ये विकास कॉस्मेटिक्स से मिल जाएगा, बैलगरी से मिल जाएगा। यहाँ पर जो है सारी ही ओरिजिनल और बड़ी ब्रांड्स होती हैं, मैं खुद भी बड़ी ब्रांड्स की चीज़ें यहीं से मंगवाती हूँ और 100% ऑथेंटिक होती हैं, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ, तो आप यहाँ से ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू नहीं है, मैंने खुद भी बाय किया है, तो मैं जो भी यहाँ पर रिव्यू करती हूँ स्पॉन्सर नहीं होता, मैं खुद ही बाय करती हूँ। और वेबसाइट्स जो हैं वो भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं मैं यहाँ से रिलायबल हूँ, यहाँ से खुद शॉप करती हूँ, तो आप लोगों को भी इन्हीं वेबसाइट्स का मैं गाइड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने वाटर स्प्रेड कर लिया है, जेल लाइक होता है, इसको वाटर के साथ मल्सीफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये आपके झाग बना देता है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में ये यूज़ होता है और बहुत सारा यूज़ भी नहीं होता, आपके नेक को भी कवर कर देगा, आपके फेस को भी कवर कर देगा। इसकी कंसिस्टेंसी जबकि ट्रांसपेरेंट है, फॉर्मिंग नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा झाग बना देता है ये आपके। अच्छा इसमें 3 एसेंशियल शामिल किए गए हैं, सेरामाइड्स, नाइथनामाइड्स और हाइलुरोनिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं। अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मैं इसको ना ज़रा सा फोकस कर देती हूँ, कैमरे को नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको फोकस कर सको, अच्छे से इसको देख सको, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कैमरा इसकी तरफ कर दिया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके फेस से डर्ट, ऑयल वगैरह को रिमूव करता है और मेकअप को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमूव करता है विदाउट डिस्टर्बिंग नेचुरल स्किन बैरियर्स। और नो डाउट कि एक रेयर कॉम्बो है, क्योंकि एक फॉर्मिंग क्लेंजर जो झाँक वाले क्लेंजर होते हैं वैसे ही स्किन को ड्राई कर देते हैं, लेकिन 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 ये फॉर्मिंग क्लेंजर होने के बावजूद हमारी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, हमारी स्किन से डर्ट को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता, और हमारी स्किन का जो नेचुरल पीएच लेवल होता है ना उसको भी ये डिस्टर्ब नहीं होने देता। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये है, बल्कि आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेशन प्रोवाइड होना। अच्छा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह है नॉन कॉमेडोजेनिक, मतलब नॉन कॉमेडोजेनिक का कि ये आपके पोर्स को क्लॉक होने ही नहीं देगा। जब आपके पोर्स ही क्लॉक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है भाई, आपके एक्ने भी नहीं होंगे और आपके पिंपल भी नहीं होंगे, तो बेस्ट चीज़ है ये इसकी। और थर्ड जो इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है, सेंसिटिव स्किन वालों को इससे कोई एलर्जी नहीं होने वाली, जैसे ज़्यादा जेंटल क्लेंजर है, जेंटल स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। लाइक वैसे इस पर लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, ठीक है जी, इस पर लिखा हुआ है, ये देखें इस पर लिखा हुआ है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, लेकिन
मेरे हिसाब से हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। सारे ही स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल रहने वाला है, नॉर्मल स्किन हो या फिर कॉम्बिनेशन स्किन, या अगर थोड़ी बहुत ड्राई स्किन भी है तो भी आप इसको मस्ट ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रखते हैं तो फिर आप लोग इसका ना दूसरा वाला हाइड्रेटिंग वाला यूज करिएगा। आई गाइड यू कि हाइड्रेटिंग वाला अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप लोग उसको यूज करिएगा, फिर ये मत करिएगा। अच्छा, एक और चीज जो मुझे बेस्ट लगी ना, ये बहुत ज्यादा माइल्ड क्लेंजर है, बहुत ज्यादा माइल्ड क्लेंजर है। आई मीन इट्स सुपर जेंटल ऑन योर स्किन। और इससे फौरन मेरे जहन में एक बात आई कि जिनके एक्ने होते हैं और उनकी ऑयली स्किन भी होती है तो उनके लिए ऐसा क्लेंजर ढूंढना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा क्लेंजर हो जिसमें ये सारी चीजें हो। वो आपको इस क्लेंजर में मिल रही है जो कि ऑयली स्किन के लिए कंपैटिबल भी हो और साथ साथ इसमें हार्श केमिकल्स ना हो। तो ऐसे क्लेंजर नॉर्मली मिलते ही नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं, बट ये एग्जैक्टली आपकी स्किन ही के कैटेगरी में फिट होता है जो कि ऑयली और एक्ने वाले हैं उनकी कैटेगरी के लिए फिट है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है ना या फिर सुपर सेंसिटिव है तो आप लोगों को इसको यूज करके बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए 40 डेज हो गए हैं एंड आई पर्सनली नोटिस ऑन माई स्किन बैरियर। सबसे पहले माई स्किन सीम्स अ लॉट हेल्दियर नाउ। मेरा स्किन बैरियर बहुत ज्यादा हील हो गया है इसको इस्तेमाल करने के बाद। इसके अलावा मेरी स्किन सुपर डुपर सॉफ्ट हो गई है, बेबी लाइक मेरी स्किन हो गई है, और मेरे स्किन पर ऑयल जो है वो भी काफी हद तक कंट्रोल रहता है। विंटर्स में भी मेरी स्किन के टी जोन एरिया पर ऑयल आ जाता है। एक अच्छा क्लेंजर है, रियली रियली हैप्पी विद दैट। और हाँ, मेरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो है ना वो काफी हद तक कंट्रोल हो गए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन काफी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि इसको यूज करने के बाद वो रिड्यूस हो गए हैं। और जो है इसके अलावा काफ़ी मेरी स्किन जो है टाइट हो गई है, काफ़ी स्नैचुरल होती है अब। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव कि इतनी सारी चीज़ें एक ही क्लेंजर में, तो इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है या नहीं, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि इसी क्लेंजर की वजह से ऐसा कमालात हो रहे हैं। क्योंकि आजकल ना विंटर है और डेज जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, तो हम कैमरे का थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। विंटर है, डेज बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मैं अपनी इतनी ज़्यादा स्किन केयर नहीं कर पा रही, तो मैं आजकल यही वाला क्लेंजर यूज कर रही हूँ। और साथ में मैं अपनी ही ब्रांड का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर मस्ट यूज़ करना है, चाहे वाली स्किन है तब भी और एक्ने है तब भी। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ, रात में भी यूज़ कर रही हूँ, सुबह में भी यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ। इस क्लेंजर के बारे में एक और बात बता दूँ कि आपने ना थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है ये, आपके 6 मंथ आराम से निकाल देगा, कोई मसले की बात नहीं है। और मतलब इतना सा लेंगे आपकी नेक भी पूरी कवर कर देगा, फेस भी पूरा कवर कर देगा, बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं लेना। अच्छा, इसके प्राइस आप लोगों को ज़्यादा लगते हैं, है भी ज़्यादा, खाली लगते ही नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं अपनी जो है फेस वॉश पर, तो इक्वल हो जाएगा उसी के। हम लोगों को ज़्यादा इसलिए लगते हैं कि हम लोग इकट्ठा पैसे देकर इसको इकट्ठा 6 to 7,000 का बाय कर रहे होते हैं, तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपये निकालें तो 6,000 रुपये का आराम से 6 महीने चल तो रहा है, 1,000 रुपये हो गया हर महीने के हिसाब से। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और टोटली 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 रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, वर्थ बाइंग है, आपके पैसा वसूल क्लिंजर है। स्किन के तमाम मसलों को ये दूर कर देगा। मैं इसको 100 out of 100 मार्क्स दे रही हूँ, माई स्किन हैज लविंग इट, बहुत अच्छा लगा मेरी स्किन को, ये बहुत ज़्यादा सूट करा। अच्छा, आई नो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको बाय नहीं कर सकता, वर्थ बाइंग तो है लेकिन हर एक की जेब इजाज़त नहीं देगी। तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते इसके अपोजिट आपको क्लेंजर हमारी ब्रांड के विश भी डी के मिल जाएंगे, आप लोग इजिली उनको बाय कर सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे क्लेंजर, हमारे हर प्रोडक्ट्स आपके स्किन को, आपके स्किन के टेक्सचर को, आपके स्किन के मसलों को, आपके स्किन के टाइप्स को, एक्ने है, सेंसिटिव है, कोई भी इशू है, पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन के मसलों को हम देखते हुए हमारी हर प्रोडक्ट तैयार की जाती है। तो अगर आप इतना एक्सपेंसिव क्लेंजर यूज नहीं कर सकते तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सेरावी की ही तरह का क्लेंजर तैयार करके देंगे जो आपके स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वगैरह के इशू को दूर करेगा, डलनेस को दूर करेगा, आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा। हमने नाइसिनामाइड्स यूज किया है,
जिसमें हाइलुरोनिक एसिड की अच्छी तादाद होती है, बेहतरीन क्लेंजर हमारे होते हैं। अगर आप ये यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव लगता है, तो आप हमारी ब्रांड के क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं। तो भाई ये था मेरा फुल ऑन रिव्यू आवाज से क्लेंजर। आप लोग बता सकते हैं अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपकी मर्जी की प्रोडक्ट्स के रिव्यू देने की। वीडियो अच्छी लगी हो लाजमी 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 लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी एक्सपेंसिव क्लेंजर है, मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दूँ। आप लोग इसको बाय लाजमी करें, अच्छे आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। दिस इज नादिया मुजम्मल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद।